गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8, द मैजिक पेंट ब्रश। सो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर की ओर जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी द हार्ड वर्ड्स। डायनासोर, डायनासोर आप सभी को मालूम है, सुना है, आप लोगों ने देखा तो नहीं, क्योंकि ये जो डायनासोर है, जो एनिमल, वो अब पूरी तरीके से हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका है, उसकी प्रजाति पूरी नष्ट हो चुकी है। एन एक्सटेंट स्पाइसेस ऑफ एनिमल दैट हैज़ नो मोर सीन्स ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ में हमारे यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है अर्थ में अब ये जो एनिमल है इसकी प्रजाति पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, तो दैट इज़ अ डायनासोर। इमेजिन, इमेजिन फॉर्म अ पिक्चर्स विथ वंस ओन माइंड, कल्पना करना, जब हम अपने दिमाग में किसी चीज़ को बना लेते हैं, सोच लेते हैं, तो वो इमेजिन कहलाता है। हॉर्न्स, अ हार्ड पॉइंट पार्ट दैट ग्रो ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स। हॉर्न का मतलब होता है सींग, जो हम लोग जानवरों के सर के ऊपर जो दो सींग देखते हैं ना, उसे बोलते हैं हॉर्न्स। परहैप्स, मे बी और पॉसिबल, परहैप्स यानी कि मे बी, हो सकता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड, बाय द साइड, एक और। स्केली, हैविंग स्केल्स लाइक ए फिश, स्केली मतलब जो फिश की जो ऊपर का शेल रहता है उसी टाइप का। स्क्रैप, स्कैब, ए हार्ड ड्राई कवरिंग दैट फॉर्म ओवर ए वूंड एज इट हील्स। तो स्कैब होता है जैसे कि किसी भी घाव वाली जगह पर अगर उसका लेप लगा दिया जाए, ठीक है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पर नहीं लिख पाई, मैं आपको बाय ओरली बता देती हूँ। एडमायर, एडमायर यानी प्रेसिंग, एडमायर करना, किसी को प्रेस करना, किसी को मोटिवेट करना। हार्डली, वेरी लेस, यानी कि कई बार आ चुका है ये वर्ड, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना, बहुत ही कम दिखने वाला चीज़ है, बहुत ही जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, वो उसे हार्डली बोलते हैं। नोटिस्ड, टू बिकम अवेयर ऑफ, किसी को किसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट करना, आप है ना टोकना, तो वो नोटिस करना कहलाता है, नोट करवाना उसको। स्पीकी, हैविंग थॉर्न और स्केल्स, स्पीकी हैविंग थॉर्न यानी ऐसी कोई चीज़ जिसमें कांटे वगैरह होते हों। कम ऑफ, एरेस्ड, कम ऑफ मतलब किसी चीज़ को मिटाना, हटाना। स्कोर, स्कोर मतलब होता है पेनफुल, लुक रेड इन अ कलर, पेनफुल यानी कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जो लाल सा निशान बन जाता है हमारे शरीर के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, सर के ऊपर, तो वो कहलाता है शोर। फैंस, ए बाउंड्री अराउंड एनीथिंग, फैंस मतलब फैंसिन, जो बाउंड्री रहती है किसी घर के इर्द गिर्द, खेतों के इर्द गिर्द जो लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Once upon a time there was a handsome boy called Digby. एक समय की बात है, एक handsome boy Digby रहता था। He was 4 year old. वो केवल 4 साल का ही था। He loved to look at dinosaur in his dinosaur books and imagine that what it was like to draw a real dinosaur from life. और उसे dinosaur की picture देखना बहुत पसंद था। वो book में हमेशा dinosaurs की picture देखता था और हमेशा try करता था कि मैं exact dinosaur जैसा picture book copy में बना सकूं। One day he was sitting in his bedroom with his paint and brush, brushes a beautiful picture of the dinosaur. एक दिन वो अपने बेडरूम में ही बैठा हुआ डायनासोर की पिक्चर बनाता है, उसके हाथों में ब्रश है, पेंट है, और वो डायनासोर की पिक्चर बनाता है। इट वॉज ट्रीसेराटॉप्स विच मेंट दैट इट हैज थ्री बिग हॉर्न्स कमिंग आउट फ्रॉम इट्स हेड, और वो डायनासोर बनाते बनाते उसके सर पे तीन सींग निकाल देता है। इट्स फेस लुक्ड हंगरी, अब उसका जैसे ही तीन सिंग बना देता है, उसका फेस उसे देखने से ऐसा लगता है जैसे पिक्चर में वो डायनासोर बहुत हंगरी हो। लाइक इट वुड लाइक टू ईट अ लिटिल बॉय, उसे ऐसा लग रहा था अभी ये डायनासोर पिक्चर में से निकल के आएगा और उस छोटे से लड़के को खा जाएगा। और परहैप्स जस्ट एज बिग बाउल ऑफ पोर्टगल्स, डिग्बाय लुक हिज रेड पेंट एंड मेड द डायनासोर द कलर ऑफ द फायर इंजन, और फिर उसके बाद जो बॉय रहता है वो डायनासोर को पिक्चर करने लगता है, मतलब पिक्चर में ड्रॉ कलर भरने लगता है, कुछ रेड स्पॉट्स बनाता है। ही यूज ग्रीन पेंट फॉर द हॉर्न, और वो हरा कलर डायनासोर के सींग पे पेंट करता है। देन बिकॉज इट स्टिल लुक्ड हंगरी, क्योंकि वो बहुत हंगरी दिख रहा था डायनासोर, ही पेंटेड ए बिग बाउल ऑफ पोर्टगल्स राइट बिसाइड इट, क्योंकि वो भूखा लग रहा था इसीलिए उस डायनासोर के बगल में वो एक छोटा सा कटोरा, बड़ा सा एक कटोरा बना देता है कि जिससे ऐसा लगे कि इसे भूख लग रही हो तो ये बाउल से कुछ खा सके। इज
He was admired how well he had colored in the dinosaur. और वो अपने आप को ही सराहना, अपनी खुद की सराहना करने लगता है कि मैंने कितना अच्छा पिक्चर ड्रॉ किया है. There was hardly any spots that all were he had gone outside the line. वो इतने अच्छे से कलर करता है कि कहीं पर भी, मतलब जो ड्रॉ बना है उसकी जो बाउंड्री लाइन रहती है उससे बाहर उसका कलर नहीं जाता है. बट देन वॉट वॉज दिस, ही नोटिस्ड ए टीनी लिटिल पर्पल स्पॉट इन द कॉर्नर ऑफ हिज पिक्चर. ओ नो, इट मस्ट हैव गोन आउटसाइड द लाइन आफ्टर ऑल. वो इतनी अच्छे से प्यार से मतलब ड्रॉ कलर को, जो पिक्चर को वो कलर भरता है कि कोई भी जो कलर है वो बाहर ना जाए. लेकिन वो क्या देखता है, वो सडनली देखता है कि एक पर्पल कलर का जो छोटी सी बूंद है वो उसके बाहर चली जाती है, उसके ड्रॉइंग के बाहर चली जाती है. तो वो देख के बोलते हैं अरे ये तो बाहर निकल गया, मेरी पूरी पिक्चर खराब हो गई. ही डिज नॉट स्टॉप टू थिंक दैट द लिटिल डॉट्स वॉज पर्पल एंड ही हैड ओनली यूज रेड एंड ग्रीन पेंट. तो वो सोचता है कि मैंने तो पर्पल कलर यूज ही नहीं किया, तो आखिर ये पर्पल कलर कहाँ से आया, मैंने तो सिर्फ ग्रीन कलर और रेड कलर यूज किया है. विच एज वी नो टूगेदर डोंट मेक पर्पल एट ऑल. ही जस्ट पुट डाउन हिज पेंट ब्रश एंड विद द लिटिल फिंगर रब्ड द पेपर वाइल जेंटली टू सी इफ द स्पॉट्स वुड कम ऑफ. और वो जो अपने छोटी छोटी उंगलियों से वो जो पर्पल कलर का बूंद टपकी थी उसको रब करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो सोचता है कि अगर मैं इसे फिंगर से रब करूंगा तो शायद ये कलर वहां से निकल जाए. ओ द पेज वॉज स्पीकी. और वो क्या देखता है कि जो पेज है वो पूरी तरीके से फट गया. वो बहुत ज़्यादा उसको रब देता कर देता है तो वो पेज पूरा फट गया. ही पुल्ड हिज फिंगर बैक एंड सॉ द लिटिल सोर. और वो जैसे ही अपने फिंगर को ऊपर करता है तो क्या देखता है कि कागज में एक छेद हो जाता है. हिज पिंकी फिंगर देयर वॉज इवन ए बाइट ऑफ ब्लड बिसाइड द फिंगर नेल. और वो देखता है, जब वो अपने हाथों को देखता है तो हाथों में वो क्या देखता है कि उसके हाथ में इंजर्ड यानी कि घाव बन गया है जिससे कि खून निकल रहा है. He stuck his finger until it felt better and looked again the picture. और फिर बाद में वो अपने फिंगर को जोर से ऐसे दबाते हुए वापस से उस पिक्चर को देखने लगता है. डिड ही इमेजिन इट और हैड द डायनासोर मूव्ड जस्ट ए टाइनी लिटिल बिट. और फिर उसे ऐसा लगता है, उसे वो सोचता है कि क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ या फिर सही में जो डायनासोर है वो पिक्चर से थोड़ा सा आगे बढ़ गया. तो वो सोच में पड़ जाता है. ही लुक्ड हिज फिंगर आउट एंड देन एंड दिस टाइम मोर केयरफुली टच्ड द पिक्चर अगेन. और इसके बाद फिर बाद में वो फिर अब डर जाता है उसे, मतलब फिर केयरफुल, फिर मतलब सुरक्षा के साथ वो उस पिक्चर को वापस से उंगली से टच करने की कोशिश करता है. श्योर इनफ द पेपर डिड नॉट फील लाइक पेपर व्हेन ही टच्ड इट. और जैसे ही वो पेपर को टच करता है वो पेपर पेपर जैसा नहीं लगता है. Instead, it was rough and scary like a snake or a perhaps like a scab. और वो पेपर है वो बिल्कुल चिकना नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई खुरदीली चीज़ हो जिसके ऊपर वो हाथ फेर रहा हो, ऐसा उसे लगता है. He ran his finger gently down where the dinosaur's spikes made a fence along his backbone. और उसके बाद एक्चुअली वो कहाँ किस चीज़ पर अपने फिंगर को रब कर रहा होता है, डायनासोर का जो बैक साइड रहता है ना उसके ऊपर इस प्रकार से रब करता है तो उसे खुरदीला सा महसूस हो जाए. दैट द पार्ट ऑफ पिक्चर वॉज पॉइंटी. क्यों? क्योंकि वो जो उसके पीठ पर जो ये जिगजैग करके जो ड्रॉ बनाता है वो थोड़े से नुकीले रहते हैं, तो उसको ऐसा फील होता है कि वो जो पिक्चर का नुकीलापन है वो रियल में उसको महसूस हो रहा होता है. व्हाट वाज गोइंग ऑन. अब वो जो लिटिल बॉय है वो बोलता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक पिक्चर में बनाई हुई चीज उसे रियल में कैसे महसूस हो सकती है. His dinosaur picture does not feel like a dinosaur picture anymore. अब वो डायनासोर पिक्चर जैसी नहीं लग रही थी. Just then he was about to call his big brother Arthu. The dinosaur looked one baddie little eyes and turned it toward Digby. और वो अपने भाई को चिल्लाने लगता है और जैसे ही वो चिल्लाता है वो क्या देखता है, वो छोटा सा जो Digby boy है वो देखता है कि वो डायनासोर उसकी ओर आ रहा है. He heard a tiny roar. और वो थोड़ा सा घुर्रा भी रहा है.
लाइक द साउंड ऑफ समवन टेलीविजन ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, और उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कहीं से कोई टेलीविजन चल रहा है और उसकी साउंड उसे सुनाई दे रही है. कुड इट हैव बीन हिज डायनासोर, और वो सोचता है क्या ये मेरा डायनासोर ही है जो सही में घुर्रा रहा हो, जो सही में आवाज़ कर रहा हो. ही डिड नॉट डेयर टच द माउथ, और लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो डायनासोर के माउथ को टच कर सके. क्यों? अब वो डर गया था. देन द डायनासोर मेड अनदर रोर, अब डायनासोर एक और रोर करता है, एक और आवाज निकालता है. एंड देन देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट दिस टाइम, अब इस बार उसे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा, वो समझ गया इट वॉज हिज डायनासोर पेंटिंग दैट हैड मेड दैट साउंड. अब उसे क्लियर हो गया कि जो डायनासोर जो आवाजें आ रही है वो रियल में उसने जो डायनासोर पिक्चर बनाई थी उसी में से ही वो डायनासोर की साउंड आ रही थी. सडनली द बाउल ऑफ द पोर्टिकल्स हैड ही हैड मेड फॉर हिज डायनासोर डिसअपीयर, और जैसे ही वो देखता है उसने, क्योंकि एक बाउल बनाया होता है, उसे ऐसा लगता है कि डायनासोर भूखा लग रहा है, तो वो देखता है तो वो जो बाउल है वो भी उस पिक्चर में से गायब हो चुका रहता है. इट सीम दैट द डायनासोर हैड ईटन इट ऑल अप, और ऐसा लग रहा था कि जो डायनासोर है उसने वो पिक्चर, वो जो बाउल है उसे खा गया हो. तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कैसे जो छोटा सा बॉय डिग बॉय है उसने किस प्रकार से डायनासोर की पिक्चर बनाई, कैसे उसे ऐसा लगा कि वो डायनासोर रियल में उसे दिख रहा है. क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको क्या लगता है कि वो डायनासोर रियल में पिक्चर से बाहर आ गया होगा या फिर ये केवल उस स्मार्ट लिटिल बॉय की इमेजिन थी, क्या वो उसकी कल्पना थी, है ना? तो आप इस पे विचार कीजिए और फिर बताइए कि ये उसकी कल्पना थी कि रियल में था. और आप भी कभी ट्राई कीजिए कि क्या इट इज़ पॉसिबल. सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, ये वीडियो खत्म होता है. जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.